दोस्तों आप लोगों ने सलमान खान की बहुत सी सुपरहिट फिल्में देखी होंगी जिसमें सलमान खान का एक अलग अवतार देखने को मिला। ऐसी एक फिल्म थी तेरे नाम जिसमें सलमान खान ने एक पागल व्यक्ति का किरदार निभाया। उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दूसरी ओर उस फिल्म में सलमान के अपोजिट नजर आने वाली अभिनेत्री भूमिका चावला को भी दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया। इस फिल्म के जरिए भूमिका चावला भी काफी फेमस हो गई। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं तेरे नाम फिल्म में सलमान के अपोजिट नजर आने वाली भूमिका चावला आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है? अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही सुपरहिट फिल्म तेरे नाम के लिए वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों भूमिका चावला का जन्म 2 अगस्त 1978 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। क्योंकि इनके पिता आर्मी ऑफिसर थे इसलिए इनको कई अलग अलग शहरों में घूमने का मौका मिले। दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद भूमिका चावला मुंबई आकर बस गई। यहाँ पर इन्होंने अपना करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश की। भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से साल 2000 में फिल्म युवा कुद्दू से की। इस फिल्म में ये अभिनेता सुमंत के अपोजिट नजर आई। इनकी दूसरी फिल्म खुशी थी जिसमें ये पवन कल्याण के अपोजिट नजर आई और उस समय ये फिल्म तेलुगु सिनेमा में काफी हिट साबित हुई। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। तेलुगु सिनेमा में अच्छा करियर बनाने के बाद भूमिका ने हिंदी सिनेमा में सलमान के साथ फिल्म तेरे नाम से कदम रखा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हो गई। इस फिल्म के बाद भूमिका चावला को एक खास पहचान मिली। इनको दुनिया भर में पहचान मिल गई। आज भी दर्शक इनको इसी फिल्म के जरिए जानते हैं। फिल्म तेरे नाम के बाद भूमिका ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसमें रन, दिल ने जिसे अपना कहा और सिलसिले जैसी फिल्में शामिल हैं। पर तेरे नाम के बाद ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। जिसके बाद भूमिका चावला ने योगा टीचर भारत ठाकुर से साल 2007 में शादी कर ली। आज भूमिका चावला पहले से ज्यादा बदल चुकी है लेकिन आज भी इनका सफर जारी है। आज ये तेलुगु फिल्मों में अभिनय करती हुई दिख जाती है। तो दोस्तों आप सभी को तेरे नाम फिल्म में भूमिका चावला का अभिनय कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।